हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+। मैं हूं आपके साथ पीयूष कुमार और आज हम इस वक्त मौजूद हैं फिल्म सिटी के मारवा स्टूडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो कार ये खड़ी हुई है ये 7 कॉन्टिनेंट में घूम के आ चुकी है और जो इसके संस्थापक है द टर्बन ट्रैवल अमरजीत सिंह चावला जी, जो कि ऑल ओवर इंडिया 200 कंट्रीज में टूर करने वाले हैं। इसी के साथ आपने 1000 डेज का इनका जो ट्रैवल होने वाला है और ये 5 लाख किलोमीटर कवर करेंगे, जिसके अंदर आपका आपको पूरा विजुअल कराएंगे कि कहाँ कहाँ पर ये घूमते हैं, सभी स्पिरिचुअल प्लेसेस में घूमते हैं, सभी जो सेलिब्रिटी हैं उनसे जाकर मिलते हैं, क्या इनका होने वाला आगे निकलने वाली है, ये उनकी मिसेज दोनों यहाँ पर इस टूर पर निकलने वाले हैं। काफ़ी अच्छा डे होने वाला है, काफ़ी अच्छी USA, UK सभी ऑल ओवर कंट्री आ चुके। 200 कंट्री के इसका जो टूर है आज निकलेगी, आज ये रवाना होने वाली है और पूरे 200 कंट्री ये आने वाली है, 5 लाख किलोमीटर ये कवर करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोग 11 अगस्त को यहाँ से इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा मुद्दा है और जिसके लिए ये इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर खोला गया था, लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग ये इस कार यात्रा को आज यहाँ से फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। और अमरजीत सिंह जी हमारे मित्र हैं जो पहले भी एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, दिल्ली से लंदन तक ये गाड़ी ले जा चुके हैं पूरे यूरोप से होते हुए। इस बार फिर से इन्होंने 25 कंट्रियों को कवर करने का तय किया है। ICMEI, मारवा स्टूडियो और AAFT इस पूरे मिशन को सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो हमारे ही ब्रांड एम्बेसडर हैं ICMEI के। और हम लोगों ने इन पिछले 30 सालों में जिस इस स्टेटमेंट को दिन रात हर और किसी न हर इवेंट के साथ इस लाइन को प्रमोट किया है, आज उसी को लेकर ये एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। लाखों लोग इस पूरे मुहिम के साथ जुड़ेंगे, इन 25 देशों में हमारे भारत की आवाज़ होगी। और इस गाड़ी को भेजने का सबसे बड़ा तात्पर्य ये है कि जो भारत का शांति का संदेश है वो संदेश लेकर हम लोग इन तमाम मुल्कों में निकल पड़े हैं। और हमें उम्मीद है कि क्योंकि हमारी नीयत साफ़ है, हम में बहुत जोश है, हम सच्चे भारतीय हैं, तो मुझे लगता है कि हमें पहचानने में या इन 25 देशों के मुल्कों को कोई तकलीफ नहीं होगी। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर में खान पान आ जाता है, उठना बैठना आ जाता है, बोलचाल आ जाता है, कपड़े फैशन आ जाता है, वो सभी चीज़ों के साथ हम लोग पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस दिन, इसे मैं महोत्सव कहूँगा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है, एक क्योंकि हम पूरा संदेश लेके भारत से निकलने जा रहे हैं। मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने पिछले इन 9 सालों में भारत के संस्कारों को, भारत की संस्कृति को, यहाँ के कल्चर को पूरी दुनिया का जो योगदान दिया है वो कभी भी भूला नहीं जा सकता। देखिए, तकरीबन 100 दिन से ऊपर का टारगेट है और 100 दिन घर से बाहर रहना, गाड़ी चलाना, कई हज़ार किलोमीटर कवर करना, 25 देशों में जाकर 25 देशों की सोच, उनकी भाषा, उनकी रिसेप्शन को एक्सेप्ट करना, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हर देश में हमारे भारत सरकार ने, हमारी अपनी खुद हाई कमीशन और एम्बेसीज हैं और जो भारत के राजदूत हैं विभिन्न देशों में, हमने उनसे भी निवेदन किया है कि वो हमारी इस यात्रा में थोड़ा बहुत तो कम से कम कंट्रीब्यूट करें। हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि टू ऑर्गेनाइजिंग अ बेटर इवेंट, एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हो, क्योंकि जिस भी मुल्क में जाएंगे उसकी राजधानी को हम कवर करेंगे और हर राजधानी में भारत का दूतावास है और उस राजदूत जी से हम ये निवेदन करेंगे कि वो बेहतरीन तरीके से इस पूरी पीस यात्रा को, इस गाड़ी को जो भारत का ये एक मूल मंत्र संदेश लेकर निकल पड़ी है, उसकी मदद करें, उसे प्रमोट करें। नई जर्नी की शुरुआत, ये कोई जर्नी वैसे तो नहीं है, नहीं ये तो 5 साल से मैं कर रहा हूँ, पर अब इसको जो एक्चुअली जो मैं करना चाहता था कि मुझे 7 कॉन्टिनेंट घूमने हैं। अब 7 कॉन्टिनेंट में से 6 कॉन्टिनेंट में तो आप गाड़ी लेके जा सकते हैं, 7वां कॉन्टिनेंट जो है अंटार्कटिका वो थोड़ा टफ था, पर वो कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी हम अपनी वहाँ पर भी लेके जाएं।
किसी तरीके से, भले ही वहाँ खड़ी करके खिंचवा के वहाँ आ जाए। तो 7 कॉन्टिनेंट्स की ड्राइव है, तकरीबन 1000 दिन लगेंगे इसमें और 5 लाख किलोमीटर की ये जर्नी होगी टोटल, जिसमें हम 200 कंट्री कवर करेंगे। तो ये थोड़ा सा हिस्सा इसमें मैं कर चुका हूँ, जैसे दिल्ली से लंदन में गया था तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें मैंने 30 कंट्री करे थे 40,000 किलोमीटर में। सर इसका मेन मिशन क्या है, क्या मोटिव क्या है? मोटिव मेरे लिए है, मैंने गाड़ी पे बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है इसके बारे में कि लव पीस के बारे में तो हम बात करते हैं, ICMI का जो स्लोगन है वो तो है ही है। तो जब भी आप बाहर जाते हैं, अमूमन मैंने देखा लोगों को कि वो जाके वहाँ पर म्यूज़ियम दिखाएँगे, बिल्डिंग दिखाएँगे, शॉपिंग कराएँगे, और उनका मकसद सिर्फ इतना ही होता है। बहुत कम ऐसे टूरिस्ट होंगे जो वहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं या लोगों से मिलने के लिए जाते हैं या देखना चाहते हैं कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका म्यूज़िक क्या है, उनका फूड क्या है। तो हमने इस जर्नी में वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी हैं। तो मेरी गाड़ी पर भी ये लिखा हुआ है कि एक्सपीडिशन ऑफ कल्चर एंड कुजीन, मेलोडीज़ मीन्स म्यूज़िक एंड मेमोरीज़ वो जिन लोगों से मैं मिलता आया हूँ, जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से मैं मिला और बहुत सारे ऐसी सेलिब्रिटीज से मिला। तो एक हम ग्रुप उसका प्लेलिस्ट उसकी होगी कि जिन जिन सेलिब्रिटीज से हम मिलेंगे उनसे हमारी जो मेमोरीज़ हैं, एक कॉमन आदमी से लेकर और एक सेलिब्रिटी तक, सबके वहाँ पर हम डॉक्यूमेंट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेमोरीज़ हो गई। उसके अलावा हम दोनों थोड़े स्पिरिचुअल हैं और हमने काफ़ी सारी जर्नीज अपने सिख गुरुओं के ऊपर करी हुई हैं, तो स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल्सो यू नो वन ऑफ आवर आइडिया टू डू इन दिस जर्नी ऑल्सो। तो जहाँ जहाँ पर भी हम जाएंगे, वहाँ पर जिस कंट्री में भी कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, जिनका कोई सिग्निफिकेंस हो, जो कि कोई हिस्टोरिकल वैल्यू रखते हो, तो उसको भी हम कवर करेंगे। और फिर लास्ट में आता है सस्टेनेबिलिटी, जिसके बारे में आज सारी दुनिया बात करती है। कितने दिन की पूरी जर्नी है? जर्नी ये है तो 1000 दिन की, पर 1000 दिन का डजंट मीन कि 1000 दिन इकट्ठे भी हम करेंगे, बीच में हम इसको ब्रेक भी करेंगे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, तो मुझे उनको भी बीच में मिलने के लिए आना पड़ेगा। तो 15-15, 20-20 दिन का हम बीच में गैप लेके इंडिया वापस भी आएंगे। सर आपने हाँ, जो शुरू किया था, इस एज में लोग आराम करने की सोचते हैं, आप दुनिया घूमने निकल रहे हैं दोनों, मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना यह है कि ज़िंदगी 60 के बाद शुरू होती है। लोग कहते हैं कि 60 साल के बाद आदमी रिटायर हो जाता है, तो अगर आप मानों में इसको देखो तो 60 साल तक आदमी अपनी सारी जिम्मेवारियां उतार चुका होता है, वो बिज़नेस करके रिटायर हो चुका होता है, अपने बच्चों की शादियां कर चुका होता है, उनके डिवोर्सेज देख चुका होता है, और जो जो प्रॉब्लम्स आनी होती हैं वो सब कुछ वो देख के कवर कर चुका होता है। तो 60 साल के बाद जो टाइम है वो आपका और आपकी बीवी के लिए होता है, और मैं उसी टाइम को एक क्वालिटी टाइम बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों जितनी भी बची हुई ज़िंदगी है उसको एक अच्छे तरीके से बाहर जाके लोगों से मिल के वहाँ के बारे में जान के और देख सकें कि वाकई में दुनिया क्या है। इससे पहले कि मैं अपनी आंखें बंद करूं, मैं प्राउडली ये कह सकूं कि हाँ मैंने दुनिया देखी है, और दुनिया मैंने सही माने में देखी है, क्योंकि मैं लोगों से मिला हूं, उनकी भावनाओं को समझता हूं, उनके कल्चर को समझता हूं। तो मेरे हिसाब से दुनिया देखना वो है ना, बनाने के लिए कुछ आपका मिशन है इस टाइम का? भारत तो विश्वगुरु अपने आप में ही है, मैं भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज यहाँ पर 100 से ऊपर आदमी खड़े हुए हैं, और मेरी जो पगड़ी है, इसको हम दस्तार कहते हैं, ये 1 लाख लोग भी खड़े हों तो दूर से मैं नज़र आता हूँ, तो मेरी रिप्रेजेंटेशन अपने कंट्री को करने की तो दूर से ही नज़र आती है। इस जर्नी में आपके साथ साथ कितने लोग होंगे? इस जर्नी में मेरी है मिसेस जो मेरे साथ में है, और 2 कैमरामैन हैं जो हमारे साथ जाएंगे, जो एक एडिट करेंगे और एक शूट करेंगे, तो 4 लोग हैं। फॉर्चुनर मैंने ऐसे कोई पर्पजली सिलेक्ट नहीं करी थी, जब मैं ये गाड़ी 2013 मॉडल है, हमारे पास ये गाड़ी थी, और जब हम जाने लगे तो मुझे किसी कंसल्टेंट ने ये कहा था कि सर ये तो ऑटोमेटिक गियर है, इसमें आप कहाँ लेके जाओगे, तो शिफ्ट गियर होनी चाहिए, ये तो थार होनी चाहिए या दूसरी गाड़ी होनी चाहिए। इस ऑल नॉनसेंस, गाड़ी कोई भी हो, उसके 4 पहिए हों और चलनी चाहिए, और ड्राइवर कोई भी हो चलाने के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है उस गाड़ी के ड्राइवर का हौसला, अगर आप हौसला है आप में तो आप साइकिल पे भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, कोई भी गाड़ी लेके जा सकते हो। तो मेरे पास ये गाड़ी थी और इसको मैं चला रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बता दूँ टोयोटा का क्या है। मैं ये नहीं कि मैं भारतीय गाड़ियों के अगेंस्ट हूँ, इंडिया में गाड़ियाँ महिंद्रा भी बनाते हैं, टाटा भी बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बनाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इन दोनों गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो सारी दुनिया में हर जगह पर नहीं मिलते हैं। तो टोयोटा ही एक ऐसी गाड़ी है, या टोयोटा और आलू, ये पूरी दुनिया में हर जगह मिलता है,
आप किसी छोटे से छोटे शहर या गांव में भी चले जाएंगे बाहर विदेश में, तो वहां भी आपको टोयोटा का शोरूम या टोयोटा का रिपेयर जो है वर्कशॉप मिल जाएगा। तो उस हिसाब से गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और दूसरा, दिस इज़ ये गाड़ी ने मुझे आज तक कभी धोखा नहीं दिया, सो आई ट्रस्ट माई कार, दिस इज़ माई सेकेंड वाइफ।